नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ लाइफ। मैं हूं भाग्यश्री आप सभी के साथ। उम्मीद करती हूं कि आप सभी गुड हेल्थ में हो और घर पर हैं, क्वारंटाइन हैं और केंद्र सरकार के सभी गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आज है लॉकडाउन का 11वां दिन। जी हाँ, अभी भी मैं यूँ कहूंगी कि तकरीबन 8-9 दिन अभी भी रहते हैं। 14 अप्रैल को ये खत्म हो गए, यानी कि तकरीबन समझ लीजिए 10 दिन और है इस लॉकडाउन के। वक्त मुश्किल से कट रहा है, घरों के अंदर हम सब कैद है, लेकिन वो आपकी अपनी भलाई के लिए। कल मैंने आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया था कि ये ऐप एक्चुअली में क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप सभी इसको इंस्टॉल करें और इसका यूज करें। तो मैं आपको यहाँ पर फोन के जरिए दिखा रही हूँ कि एग्जैक्टली ये ऐप कैसा दिखता है। देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है ये ऐप, ठीक है। इसमें जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहां पर एक हार्ट शेप का आइकन होगा और आरोग्य सेतु AA, राइट। उसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी और इसमें सबसे पहले आपका लोकेशन और आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑन रहना जरूरी है। तो मैंने कल इसे इंस्टॉल किया और देखने की कोशिश की कि ये ऐप कितना फायदेमंद है और क्यों अच्छा है, बेहतर है इस टाइम पर इसे इंस्टॉल करना। तो मैंने देखा कि वहां पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ली गई है, आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी एज, आपका प्रोफेशन, राइट। और उसके अलावा आप किस जगह से आते हैं, आपकी कंट्री के बारे में भी उसमें इन्फॉर्मेशन ली गई है। साथ ही लास्ट के कुछ वक्त में आपने अगर किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल किया हो तो उसका भी इनपुट इसमें लिया जाता है। देखिए, ये जो ऐप है इसमें जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं ये कंप्लीटली मॉनिटरिंग के अंडर है, इसीलिए इसमें सिक्योरिटी रीजन भी पूरी तरह से है, लेकिन ये पूरी तरह से मॉनिटर भी किया जाएगा। इसलिए इसमें आपकी कुछ भी गतिविधियां, जो भी आप एक्टिविटी इस ऐप में करेंगे वो आपका कंप्लीटली स्कैन रहेगा। तो यहाँ पर जब मैंने अपनी डिटेल्स डाली तो उसके बाद कुछ इस तरीके का ऊपर शो करता है कि आप सुरक्षित हैं। देखिए, इसमें हर भाषा में ये ऐप जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये हिंदी सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। बहुत सारे भाषाओं के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन है और लिखा हुआ है आप सुरक्षित है, यानी कि आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि कोरोना से संक्रमित हो सकता है। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके आसपास और भी किसी व्यक्ति के फोन में ये ऐप इंस्टॉल्ड है तो वो भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और आपको ये बताने में हेल्प करता है कि आप अभी जिस जगह पर हैं वो सेफ है या आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड पर्सन ऐसा नहीं पाया जा रहा है। दूसरी तरफ इस पर COVID-19 के हेल्पलाइन सेंटर्स जो हैं वो है, उसके सारे नंबर्स स्टेट वाइज इसके अंदर जो है वो दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर देखा। देखिए, हर एक स्टेट के जो नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश से लेकर लास्ट सेंट्रल तक, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, तमाम स्टेट्स नंबर्स हैं COVID-19 के, वो इसके अंदर दिया हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम स्टेट से हैं, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ कांटेक्ट करना है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि आपको यहाँ पर जितने भी हेल्पलाइन सेंटर्स हैं, जो नंबर्स हैं वो इसमें पूरा दिया हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो अपडेटेड ट्वीट्स हैं सोशल मीडिया पर वो यहाँ पर फ्लैश हो रहा है ऐप के अंदर। तो आप इस ऐप के अंदर ही हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके ट्वीट्स जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए, दूसरी तरफ एक और चीज है, इसमें COVID-19 के बारे में पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी हुई है, अगर आप क्लोजली देखें, राइट। उसके बाद में क्या करें और क्या ना करें COVID-19 के दौरान, जो कि अक्सर बहुत ही लोग फ्रीक्वेंटली पूछते हैं और कंफ्यूजन में हैं, तो आप इसे पढ़ें कि आपको इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि COVID-19 से सुरक्षा के उपाय क्या क्या है, आप कैसे इससे खुद को बचा सकते हैं, क्या कुछ चीजें जो वो आप कर सकते हैं। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है वो बताए जाएंगे। तो इन टोटल जो है ये ऐप इस वक्त कोरोना वायरस के दौर में जिस सिचुएशन में भी हम हैं ये काफी हेल्पफुल है, एंड आई शुड से दैट कि आप इसे जरूर इंस्टॉल करें, राइट। एंड दूसरा है यहाँ पर एक और सेक्शन जो मैं देख पा रही हूँ, दिस इज अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऑप्शन। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें ये लिखा है कि यहाँ पर
आप कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए बात करेंगे, जहां पर आप खुद का सेल्फ असेसमेंट करेंगे आपके सिम्टम्स के जरिए कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें आप जो कॉल या चैट होगी वो पूरी तरह से मॉनिटर की जाएगी, इसीलिए यहाँ पर आप इसको मजाक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जब आपको कुछ लगता है कि कुछ सिम्टम्स है, तो आप यहाँ पर चैट करना शुरू करें और शायद कॉल के जरिए आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, चैट हो सकती है और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे, राइट। तो ये है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो ये पूरी तरह से कुछ ऐसा दिखता है ये ऐप, और इसमें सब कुछ है कोरोना वायरस से। आप चाहें तो यहीं पर एक ऑप्शन आता है जिसके साथ आप इस ऐप को दूसरे लोगों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए या दूसरे माध्यम के जरिए, और उन्हें भी इस ऐप के बारे में बता सकते हैं और इसे इंस्टॉल करने के लिए कह सकते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि काफी अच्छा है ये ऐप, इसे जरूर आप ट्राई करें, इंस्टॉल करें। इस टाइम पर ये काफी हेल्पफुल है और ये आपको तमाम चीजों की इन्फॉर्मेशन दे रहा है COVID-19 से रिलेटेड। आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट थिंग है इसके अंदर में। देखिए, इसमें आपको एक तो ट्वीट्स मिल रहे हैं, आपको इससे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिल रहा है, और दूसरा ये है कि आप इसमें काफी कुछ जो है लोकेशन वाइज आप ये चेक कर सकते रह सकते हैं कि आप सेफ हैं या नहीं, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेटेड भी होता रहेगा और इसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको शो करता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपका लोकेशन और आपका ब्लूटूथ जो है वो ऑन होना बहुत जरूरी है। सो मैंने आपको कल इस ऐप के बारे में बताया था, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सभी अपने फोन पर ये ऐप जरूर इंस्टॉल करें, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आरोग्य सेतु ऐप। अब क्या अपडेट्स हैं, हम पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। चलिए, क्या चल रहा है विश्व में और इंडिया में। देखिए, अब तक जो मामले दिख रहे हैं भारत में, कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो 2900 के ऊपर जा चुका है, रिकवर्ड 211, और वहीं डेथ 77, यानी कि 77। दूसरी तरफ अगर मैं विश्व ट्रैकर की बात करूं तो दुनिया भर में तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो है मामले जो है वो नजर आ रहे हैं, कंफर्म्ड केसेस हैं, और दूसरी तरफ रिकवरी है तकरीबन 2 लाख के ऊपर रिकवरी हो चुकी है, लेकिन वहीं डेथ की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ वो 58,000 के ऊपर है। और दूसरी तरफ क्या कुछ अपडेट है, पहले हम उसको लेकर नजर डालते हैं। कोरोना की वजह से कई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों की शादी जो है टल गई है। देखिए, इस वक्त शादी का सीजन जो है वो शुरू हो जाता है इंडिया में भी, और ऐसे में लोग जो है शादियां टाल रहे हैं। कई इंडिया में भी कई जगहों पर अप्रैल से जो है शादियों का सीजन अभी मिड से शुरू होता है, 14-15 तारीख से, और लगभग 15-20 दिनों का मुहूर्त रहता है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार सभी शादियां जो है वो टल गई हैं। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म होगा और सारी शादियां जो है वो शुरू हो पाएंगी। ऑलराइट, कुछ और अपडेट्स जो है हम पहले उस पर नजर डालेंगे। दीपिका पादुकोण ने कोरोना के इस जंग में मदद की है, पीएम केयर्स फंड में डोनेशन की जानकारी दी है, और दूसरी तरफ मायावती जी ने भी मदद किया है सीएम योगी को, धन्यवाद। सीएम योगी ने धन्यवाद किया है मायावती जी को इस जंग में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हाथ बढ़ाया है। दूसरी तरफ यूपी से जो मैं खबर देख पा रही हूँ, ये कहा जा रहा है कि यूपी में लॉकडाउन तोड़ने वालों की लॉटरी है, यानी कि एफआईआर कॉपी जो भी की जा रही है, जो भी लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, वो एफआईआर कॉपी जो है वो सीधे होम डिलीवरी हो रही है, लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए इस वक्त मैं आपको कह रही थी कि बहुत ध्यान रखिए इस चीज का, बिना किसी वजह के घर के बाहर ना निकले, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ऑल राइट, दूसरी तरफ क्या कुछ और अपडेट्स हैं, हम आइए उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जो मैं खबर देख पा रही हूँ नोएडा से, बहुत अच्छी खबर नहीं है। नोएडा में कोरोना के 5 नए मरीज हैं और देश में भी संख्या जो है वो 77 हो चुका है, जो मैं देख चलिए माफ करिएगा इस टेक्निकल एरर के लिए। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि नोएडा में अभी जो केसेस हैं 5 नए मरीज हैं और देश में अभी आंकड़ा जो है वो 77 पर जा चुका है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया था जिसने टिकटॉक पर नोटों से नाक साफ किया, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है इस हरकत के लिए। देखिए, टिकटॉक पर अगर आप वीडियो बना रहे हैं इस वक्त एंटरटेनमेंट पर्पज से, कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके लिए मुसीबत साबित हो सकता है, जैसे कि इस व्यक्ति ने किया है। इस वक्त बहुत जरूरी है कि आप
सोच समझकर चीजें करें और बहुत केयरफुली चीजों को काम करें, क्योंकि इस वक्त आपकी इस तरह की चीजें एक तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं, और टिकटॉक जैसे एक सोशल मीडिया जहां पर कई हजारों और लाखों लोग कनेक्टेड हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस टाइम पर टिकटॉक वीडियोस को एक पॉजिटिव वे में यूज करें। ऑलराइट, कुछ और अपडेट्स हैं, हम पहले उस पर भी नजर डालेंगे। देखिए, लगातार मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। यूपी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, गाजियाबाद में भी एक महिला पॉजिटिव पाई गई है, वहीं नोएडा में भी 5 नए मामले आ गए हैं, वहीं तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी एक एक मौत हो गई है। तो लगातार अपडेट्स जो हैं वो इसमें बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। महाराष्ट्र में इस वक्त अगर मैं बात करूं तो 500 से ज्यादा मामले जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। पंजाब में जो दिल्ली का मरकज का मामला चल रहा था, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए अभी भी लोगों की आइडेंटिफिकेशन जो है वो जारी है, और आज सुबह भी मैंने जो अपडेट्स देखा कि जिन लोगों ने गाजियाबाद के अस्पताल में मरकज से जो लोगों को वहां भर्ती किया गया था, जो बदतमीजी उन्होंने की है, उस बात को लेकर देखिए डिबेट्स काफी हो रहे हैं, काफी कुछ कहा जा रहा है, धर्म की बात आ रही है यहाँ पर। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस वक्त धर्म को हम बीच में ना लेकर आए। पूजा पाठ, धर्म, नवाज नमाज जो भी आपको करना है आप घरों के अंदर रहकर करें। आने वाले 9 अप्रैल को शबे बारात है, जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार प्रोसेशंस वगैरह होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप सभी लोग जो हैं घरों के अंदर रहकर अपने त्योहार और अपने धर्म का पालन करें। आई थिंक हम सभी के सेफ्टी के लिए ये इस वक्त बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ पंजाब से इस मरकज में शामिल तकरीबन 124 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पाए गए हैं, जो कि वहां छुपे हुए थे। और तकरीबन दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में जो मेडिकल स्टाफ के लोग थे, जो लगातार दिन रात कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, उसमें से 100 ऐसे हैं मेडिकल स्टाफ जो कि जिनको क्वारंटाइन करना पड़ा है, बिकॉज कि वो बीमार थे या वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो यही कोशिश की जा रही है कि देखिए इस वक्त सिचुएशन जिस तरह से है, जो स्वास्थ्यकर्मी है वो बहुत ज्यादा इसके घेरे में है। सेफ्टी उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिन रात इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, में उनका सेफ रहना, उनका क्वारंटाइन रहना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टाफ इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है, मेडिकल स्टाफ भी पूरी एहतियात बरतता है, और उन्हें पता है कि उन्हें अपने आप को किस तरह से क्वारंटाइन रखना है या फैमिली से नहीं मिलना है, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, सैनिटाइजेशन का फॉलो करना है। तो उन चीजों का ध्यान डेफिनेटली मेडिकल टीम रख रही है, लेकिन क्योंकि वो पूरे वक्त इन लोगों के बीच होते हैं, ऐसे में उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है खुद को इन चीजों से बचाए रखना। 2900 से ज्यादा, देखिए मैंने आपको बताया कि मामले हो चुके हैं, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। आगरा से भी मैं देख पा रही हूँ 25 नए मामलों की पुष्टि हो गई है। तेलंगाना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, और दूसरी तरफ राजस्थान से भी खबर है एक महिला की मौत की, और आंध्र प्रदेश में मैं देख पा रही हूँ 3 नए मामले हैं। अमेरिकी दूतावास तक भी कोरोना वायरस जो है वो पहुंच चुका है। और एयर इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट खबर जारी की है, एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक सभी टिकट बुकिंग्स जो हैं वो बंद कर दी हैं। जी, मुझे कुछ ऐसी खबरें मिली थी कि कुछ लोगों ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद में टिकट्स बुक कराई थी ट्रैवल करने के लिए, और अब जो ऐसी खबर है कि एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक अपने टिकट बुकिंग्स जो हैं वो बंद कर दिए, जो कि इस वक्त बहुत जरूरी। देखिए हो सकता है कि बहुत जरूरी चीज हो, लेकिन लॉकडाउन खत्म हुआ या नहीं ये हमें नहीं पता, पर इस वक्त आपका टिकट्स बुक करा लेना, क्योंकि इमिजिएटली आपको पता है कि 14 अप्रैल को टिकट लॉकडाउन खत्म होगा और आपको ट्रैवल करना है, इज नॉट द राइट थिंग। इस वक्त आपका ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा। कोशिश करिए कि जब तक ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना हो तब तक आप जो है बाहर ना निकले, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोशिश यही करिए कि घरों के अंदर आप बने रहें। देखिए कल है 5 अप्रैल, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की है कि कल रात 9:09 के लिए सभी लोग जो है अपने घरों की बत्तियां बंद कर अपने बालकनीज और घरों के चौखट पर दिया जलाएं, टॉर्च जलाएं, फोन के फ्लैशलाइट्स जलाएं, मोमबत्तियां जलाएं, और एक साथ सब मिलकर जो है एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने की कोशिश करें। तो कल रात यानी कि 5 अप्रैल के रात 9 बजे एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा स्टोरी हाउ आपके साथ, ठीक 8:50 पर लाइव होगा,
और हम आपको कुछ तस्वीरें जो है लाइव दिखाएंगे कल रात 9 बजे की। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, जो मैं एक और खबर देख पा रही हूँ लगातार इस 5 तारीख को लेकर, कि अगर एक साथ सारी बत्तियां बंद की जाती हैं तो शायद पावर ग्रिड फेल हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है, जो कि ऊर्जा मंत्री ने बात कही है कि शायद इससे पावर ग्रिड भी फेल हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रेफ्रिजरेटर और जो इम्पोर्टेंट है उनको छोड़कर आप सिर्फ घरों की बत्तियां जो हैं, लाइट्स जो हैं, पंखे जो हैं, उनको आप बंद करें और 9 मिनट के लिए अपने घरों और बालकनी में मोमबत्तियां और दिए जलाकर जो है इसमें सहयोग दें। देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगी। कई लोगों को ये एक उत्सव के तौर पर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम एक बार फिर दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और कई लोगों के घरों में दिया वगैरह मौजूद नहीं है तो वो अब लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें संडे को रात को 9 बजे दिए जलाने हैं, हमारे पास घर में दिए नहीं है तो हम जाकर लेकर आएंगे। प्लीज ऐसा ना करें, आपके पास घर में जो कुछ भी अवेलेबल है, अगर दिए नहीं है, कैंडल्स नहीं है, तो आप अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। आई एम श्योर कि मोबाइल में सभी के फ्लैश लाइट्स हैं, मोबाइल से आप इस चीज में सहयोग दें। कुछ भी सामान लेने के लिए घरों से बाहर ना निकले, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने कहा है कि क्योंकि पीएम मोदी जी ने कहा है कि हमें रात को दिए जलाने हैं और मोमबत्तियां जलानी है, हमारे पास घर में नहीं है तो हम वो खरीदने जाएंगे, तो हम वो कैसे लेकर आए। तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज ऐसा ना करें, आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसे ही यूज करें, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो आपके मोबाइल का फ्लैश लाइट हो या मोबाइल हो, आप उसका ही इस्तेमाल करें और इसमें सहयोग दें। ऑलराइट, कुछ और अपडेट्स मैं देख पा रही हूँ। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से कुछ अपडेट्स हैं जो कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस हैं। कई लोग हैं जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है, तकरीबन 387 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 52 व्हीकल्स गाड़ियां जो है उनको सीज किया गया है, 53 FIR किया गया, और ये सब कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में। तो ये वही लोग हैं जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन करके घरों से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं। देखिए लगातार हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन को सफल बनाइए, क्योंकि ये लॉकडाउन आपकी सेफ्टी के लिए किया गया है। कृपया करके गाड़ियों को लेकर घरों से बाहर ना निकलें, इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि आप इसे सीरियस तौर पर लें। कुछ और चीजें हैं जो हम यहाँ पर अपडेट्स देख पा रहे हैं। कर्नाटका से जो अपडेट है सोशल मीडिया पर, वो आपको बता दूं कि कोई भी COVID-19 पेशेंट कर्नाटका में वेंटिलेटर पर नहीं है, और बहुत सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स जो हैं पूरी स्टेट में अवेलेबल हैं, और कई और किट्स जो हैं वो भी मंगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में मैं देख पा रही हूं कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF जो है वो वहां पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको खाना दे रहे हैं, उन तक खाना पहुंचा रहे हैं, जो कि इस वक्त जरूरी है। दूसरी तरफ हरियाणा से जो खबर है, 56 में से 16 लोग जो हैं वो हरियाणा में पॉजिटिव पाए गए हैं, और ये वही लोग हैं जो निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुए थे, ये खबर जो है ये हरियाणा से आ रही है। एक व्यक्ति, 51 साल के एक व्यक्ति जिन्होंने इस मरकज को अटेंड किया था दिल्ली में, उनकी मृत्यु हो गई है तमिलनाडु में, और अब तक 411 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस जो हैं वो स्टेट में पाए गए, जिनमें से 364 जो हैं वो इस जमात में शामिल थे, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से खबर आई है। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में भी पुंछ पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है सीनियर सिटीजन्स और बीमार लोगों के लिए, ताकि उन तक जो एसेंशियल चीजें हैं वो पहुंचाई जा सके। देखिए हर स्टेट में इस तरह की चीजें की जा रही हैं, लोगों तक जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आरोग्य सेता सेवा माफ करेगा आरोग्य सेतु आपको आप इंस्टॉल करें, और इसमें आपको सारे स्टेट के हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं नेपाल से मैं कुछ अपडेट्स देख पा रही हूँ। नेपाल में देखा जा रहा है कि काठमांडू पुलिस ने कोरोना वायरस लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं नेपाल में भी 3 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के आ गए हैं। देखिए नेपाल में जो लॉकडाउन है वो अप्रैल 7 तारीख तक के लिए है, और वही मैंने आपको कल बताया था कि सिंगापुर में वहां के पीएम ने 7 तारीख से 1 महीने का लॉकडाउन जो है वो सिंगापुर में इम्प्लाई
कर दिया है। दूसरी तरफ अपडेट्स हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर 6 और लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और इस वक्त मध्य प्रदेश में जो टोटल संख्या है वो 164 हो चुकी है। लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को किसी तरह से घरों के अंदर रखा जा सके, वो बाहर ना निकले, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, क्योंकि इस वक्त ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, बिहार में भी देखा गया है कि पुलिस ने एक बहुत नायाब तरीका अपनाया है। जो भी लोग बिहार में सड़कों पर निकले हैं, इस लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, पुलिस जो है उन्हें गलों में माला डालती हुई देखी गई है। ये तस्वीरें आई हैं और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग बाहर निकले और वहां पर उनके गलों में माला डालकर पुलिस जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रही कि आप प्लीज अपने घरों में लौट जाएं, इस वक्त ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार के सीएम ने भी एक मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। दूसरी तरफ मुंबई में भी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो हैं वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों से सुरक्षित रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप घरों के अंदर बने रहें, इस वक्त ये बहुत जरूरी है। और इस टाइम पर आपका इस तरह से उल्लंघन करना लॉकडाउन का आपके लिए काफी खतरनाक होगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर एक 16 साल के व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जी हाँ, 16 साल। और ये जो व्यक्ति हैं ये जमात का हिस्सेदार था, दिल्ली के मरकज में वो पहुंचे थे। इज वन ऑफ द 16 अटेंडीज जो कि कोरबा आए थे महाराष्ट्र से। फिलहाल इन सभी लोगों को जो है क्वारंटाइन में डाल दिया गया है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए कुछ और अपडेट्स पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि और क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं मौलाना साद, जिनसे लगातार पूछताछ की गई है जमात को लेकर, मरकज को लेकर, और क्राइम ब्रांच ने उन्हें नोटिस भी भेजा था, उस पर उनका जवाब है कि वो सेल्फ क्वारंटाइन में है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि वो सेल्फ क्वारंटाइन में जा चुके हैं। आइए कुछ और अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। दूसरी तरफ चीन से ही खबर देख पा रही हूं मैं कि कोरोना वैक्सीन का 14 लोगों पर ट्रायल जो है वो सफल हो गया है। हालांकि ये कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं कोरोना के इस जंग में स्टार फुटबॉलर नेमार जो है वो आगे आए हैं, और उन्हें 7.5 करोड़ रुपए जो है वो हेल्प किया, दान में दिया है। और दूसरी तरफ मैं देख पा रही हूँ जो स्टार्स हैं बॉलीवुड के, इस लॉकडाउन में माधुरी दीक्षित जो हैं वो वीडियो कॉल के जरिए डांस क्लासेस ले रही हैं। सो आई थिंक एक अच्छा तरीका है अपने टाइम को इस्तेमाल करने का, वीडियो क्लासेस के जरिए माधुरी दीक्षित डांस सिखा रही हैं। दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण ने भी पीएम केयर्स फंड में अपनी डोनेशन देने की जानकारी दी है, जो कि अच्छी चीज है। और दीपिका और रणवीर को देखा जा रहा है काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, उनके नए नए वीडियोस और पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, जो कि काफी पॉपुलर हो चुका है इंडिया में वेब सीरीज के लिए, ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है और जरूरतमंदों के लिए 7.5 करोड़ का हेल्प जो है वो देने की घोषणा की है, जो कि इस वक्त काफी अच्छी बात है कि किस तरह से लोग और बड़े ब्रांड्स और नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सोशल मीडिया पर और क्या अपडेट्स हैं, एक बार उस पर भी हम नजर डालें, क्योंकि लगातार मैं देख पा रही हूँ कि सोशल मीडिया पर पोस्ट और अपडेट्स जो हैं वो आते जा रहे हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो बहुत जरूरी है कि इस टाइम को आप पॉजिटिव वे में यूज करें, पॉजिटिव चीजें जो हैं सोशल मीडिया पर डालें। अगर आपको वीडियोस डालने का शौक है, अगर आप पोस्ट डालते हैं तो कुछ ऐसा डालें जिससे लोगों में भरोसा बना रहे, पॉजिटिव बातें डालें। इस वक्त प्लीज सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी पोस्ट ना करें जो लोगों में पैनिक क्रिएट करे, जिसके बारे में आप कंफर्म ना हो, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि इस वक्त सोशल मीडिया स्कैनर में है, मॉनिटरिंग की जा रही है। इसीलिए अगर आप व्हाट्सएप पर भी, जी हाँ मैं पूरे सोशल मीडिया की बात करूँ, स्पेशली व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा लोग जो है वो यूज करते हैं, और ऐसे में व्हाट्सएप पर भी कोई ऐसे मैसेज ना डालें जिससे लोगों में पैनिक हो, क्योंकि ऑलरेडी कई केसेस आ गए हैं जहां पर कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उन लोगों ने व्हाट्सएप पर
कुछ ऐसे वीडियोस और मैसेज फॉरवर्ड किए जो जो कि लोगों में पैनिक क्रिएट कर सकता था और जिसके बारे में उन्हें खुद कंफर्मेशन नहीं था। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस टाइम पर काफी सोच समझ कर करें, जो कि बहुत जरूरी है। टीवी एक्ट्रेस हिना खान का भी एक वीडियो आया है जहां पर वो बाहर से सब्जियां लेकर आई हैं और उसे सैनिटाइज करते हुए देखी जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने खुद के कपड़े भी चेंज किए हैं। तो देखिए, सेलिब्रिटीज भी अपनी तरह से लोगों को इस तरह के वीडियो और पोस्ट से ये बता रही हैं कि आपको इस वक्त किस तरह से सेफ्टी को फॉलो करना है। अगर आपको बहुत जरूरी है बाहर निकलना राशन के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए, तो आप किस तरह से खुद को हाइजीनिक रख सकते हैं चीजों से, और ये इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल यही अपडेट्स हैं और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी सेफ रहें, घरों के अंदर रहें और कोरोना की जो लक्ष्मण रेखा है, यानी कि आपके घर की दहलीज जो है, उसे पार ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस लाइव।